हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस मशीन के बारे में बताऊंगा थोड़ा, जो मैनाटेक कंपनी की है, फोक्स 3D मशीन, अलाइनमेंट मशीन है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ये मशीन है और आपकी इस मशीन में कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सलूशन करने के लिए आपको सर्विस इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस मशीन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो। फ्रेंड्स, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सलूशन आपको जो है बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इस मशीन्स में आती हैं, जैसे कि कई बार जो होता है, गाड़ी हमने लगाई, टारगेट चारों लगाए और जो है हमारा जो जैसे ये साइन दिखा रहा है, तो हमारे इस कंडीशन में कई बार टारगेट जो है डिटेक्ट नहीं करते हैं, या फिर कई बार मशीन जो है हमारी हैंग कर जाती है। तो क्यों हैंग कर जाती है, या फिर मशीन कई बार हम अलाइनमेंट कर रहे हैं तो करते करते कई बार गाड़ी की रीडिंग जो है फ्लक्चुएट होने लगती है, या फिर स्टेबल नहीं रहती है रीडिंग्स, या फिर कई बार मशीन चलती चलती सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि इस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम हो और इस मशीन का कोई भी मॉडल हो, जैसे कि पिट मॉडल है, जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी के चारों टारगेट्स जो लगे हुए हैं, अगर मान लो इस कंडीशन में भी आपके टारगेट जो है, जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हैं इसमें क्रॉस साइन दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको 100% सलूशन जो है बताऊंगा। कई बार ये भी दिक्कत आती है, कैमरा जो बीम है सामने स्क्रीन पे शो कर जाता है, इस तरह का एरर आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके सारे सलूशन के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड्स मैं आपको उसका सलूशन जो है 100% बताऊँगा। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है, टाइप मिसमैच या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स होती हैं ये फ्रेंड्स, की सॉफ्टवेयर कैसे करना है, अगर आपने दोबारा सॉफ्टवेयर करना है तो उसकी कैलिब्रेशन कैसे सेव करनी है। कि मान लीजिए आपकी विंडो करप्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी जो कैलिब्रेशन की फाइलें हैं उसको कैसे सेव करना है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का डाटा किसी अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करना है, इनकी फाइल होती है जब indian.mdb, तो कैसे उस फाइल को अंदर सॉफ्टवेयर में डालना है ताकि एक ही बार में सारी गाड़ियाँ जो हैं अपडेट हो जाए। कई बार आपको अगर मान लो गाड़ी को डाटा चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इस मशीन की 100% लेटेस्ट फाइल जो होती है जो गाड़ियों की, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी मॉडल हो, पिट मॉडल हो, लिफ्ट मॉडल हो, वेरिएबल हाइट मॉडल हो, कई बार ये भी एरर आ जाता है। फ्रेंड्स, बोथ कैमरास नॉट कनेक्टेड, इस कंडीशन में आपके कैमरे जो है चल नहीं रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ऑनलाइन ही सलूशन जो मैं करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9855669464। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं बेझिझक होके, तो मैं आपको उसका 100% सलूशन बताऊंगा। ऑल ओवर इंडिया किसी भी शहर में आपकी ये मशीन लगी है तो मैं आपको सलूशन जो है ज़रूर बताऊंगा, चाहे ऑल ओवर कंट्री में भी, इन विच एनी कंट्री। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ ऑटोमोटिव के रिलेटेड, मशीनों के रिलेटेड, जैसे कि अलाइनमेंट होगी, बैलेंसर हो गया, टायर चेंजर हो गया, नाइट्रोजन कंप्रेशर वगैरह, सबके बारे में। स्पेशली मैं मैनाटेक में आपको हर मशीन के बारे में जो है गाइड कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपके बैलेंसर में कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ पे टायर चेंजर में दिक्कत आ रही है, अलाइनमेंट हो, कोई भी मॉडल हो, RF मॉडल हो, ब्लूटूथ मॉडल हो, केबल मॉडल हो, अर्जुन मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो फ्रेंड्स, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट किए फ्रेंड्स कि आप मुझे इस मशीन के बारे में सलूशन बताइए, तो मैं आपको उसका 100% सलूशन जो है बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक ही है। मैं आपका फ्रेंड वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, कि आपकी मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरी मशीन में सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये आप अपने मॉडल के साथ जो आपका मॉडल है और कौन से शहर में आपकी मशीन लगी है और आपका नंबर, सब कुछ मुझे चाहिए, फिर मैं आपको उसका सलूशन जो है पूरा बताऊँगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अलाइनमेंट के रिलेटेड। जैसे कि मैनेटेक कंपनी की कोई भी मशीन हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी सर्विस ऑफ सॉल्यूशन, मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहूँगा। तो साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। गुड बाय फ्रेंड, शब्बा खैर।